ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने ऐसा निशाना साधा कि गोल्ड मेडल उनकी झोली में आ गिरा। 16 साल की मनु भाकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में देश को सोना दिलाया है। उनका निशाना कितना अचूक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल सीनियर वर्ल्ड कप में एक नहीं बल्कि दो दो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अभी 10 महीने पहले ही मनु ने जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था और 49वें नंबर पर रही थी। इस साल जब वो सीनियर वर्ल्ड कप में खेली तो सीधे स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में। 2017 की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में तो मनु ने छप्पड़ फाड़ के 15 मेडल जीते और ये तब है जब मनु ने शूटिंग सिर्फ 2 साल पहले शुरू की है। 16 साल की वर्ल्ड चैंपियन मनु 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं, जिसमें उन्होंने पिछले साल चोटी की निशानेबाज हीना सिद्धू को हराया है। हरियाणा में गोरिया गांव को अभी अपनी चैंपियन से बहुत उम्मीदें हैं। पहले तो इस साल के यूथ ओलंपिक से और फिर टोक्यो 2020 के ओलंपिक से मनु चैंपियन जरूर बन गई हैं, लेकिन जूनियर टीम के कोच जसपाल राणा की सख्त हिदायत है कि निशाना भले ही लक्ष्यों पर हो लेकिन कदम जमीन पर ही रहने चाहिए। आपको बता दें कि मनु के अलावा हीना ने भारत के लिए चांदी पर निशाना साधा है।